हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12 के बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में आज बात करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या बात की थी? लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात की थी कि मेगा स्पोरोफाइट कौन होता है, मेगा गैमेटोफाइट कौन होता है। एक्चुअली मेरे थोड़ा दांत वगैरह में दर्द है तो बहुत क्लियरली बोल नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल मतलब आपको ऑडिबल होगा। तो बात करेंगे आज क्या मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस शब्द सुन के ही पता चलता है क्या? अच्छा देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मेगा जो शब्द है, मेगा शब्द किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, स्पोर का मतलब होता है, मेगा स्पोर का मतलब होता है वो स्पोर जो फीमेल गेमीट को डेवलप करे उसको क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर। और मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस शब्द जहाँ पर भी आ जाता है उसका मतलब होता है जनरेशन, मतलब मेगा स्पोर का जनरेशन, मतलब मेगा स्पोर का बनना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन प्यारी सी लिख लो, क्या लिखो, लिख दें कि बोल दें? चलो लिख ही देते, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। क्या? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल वाया मियोसिस। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। इज कॉल्ड मेगा स्पोरो हल्की सी आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी मैंने कि न्यूसेलस की कोई सेल एक डेवलप करके अपना फंक्शन छोड़ करके, वहाँ पर कोने में बताई थी न्यूसेलस की एक सेल अपना कुछ फंक्शन छोड़ करके, जो उसका नॉर्मल फंक्शन है कि एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उस फंक्शन को छोड़ करके क्या करती है, खुद में बदलाव लाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है और मेगा स्पोर मदर सेल बना लेती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि मेगा स्पोर मदर सेल जब बनाती है तो उसके अंदर होती है मियोसिस, मियोसिस से बनती हैं चार मेगा स्पोर्स, और चार मेगा स्पोर में से तीन मेगा स्पोर जो चलाजल एंड वाली होती हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं और एक मेगा स्पोर बचती है जिसको हम फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। ये बात बताई थी, अब समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये आपका ओव्यूल है, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, यहाँ कहीं बीच में अभी एम्ब्रियो सैक बनेगा, अभी बना नहीं है, ठीक है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर जो है सेल्स भरी हुई हैं, कौन कौन सी? न्यूसेलस की सेल्स हैं, कौन है? न्यूसेलस की सेल्स हैं, कौन है? न्यूसेलस की सेल्स हैं, ठीक है। ये न्यूसेलस की सेल्स हैं, इसके बाहर भी न्यूसेलस की ही सेल्स हैं, ये बाहर का जो एरिया देख रहे हैं ये भी सब न्यूसेलस की सेल्स से भरा हुआ है, और ये जो दो आप ये देख रहे हैं ये इंटिग्यूमेंट्स हैं इतने एरिया में, ये जो बाहर हैं ये कवरिंग है, ये इंटिग्यूमेंट्स की कवरिंग है। ये एंजियोस्पर्म में तीन तरह की हो सकती है, यूनिटेग्मिक, बायोटेग्मिक या एटेग्मिक। क्या? यूनिटेग्मिक, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाईटेग्मिक या एटेग्मिक। सीड कोट के दो पार्ट होते हैं, क्या? टेस्टा और टेगमेंट, ठीक। सीड कोट के दो लेयर्स होती हैं, टेस्टा और टेगमेंट मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, तो वहीं से उठ के आया है टेगमा शब्द, ठीक। तो यदि एक ही इंटिग्यूमेंट प्रेजेंट है, इंटिग्यूमेंट बताया था लास्ट क्लास में जब आपको ओव्यूल समझाया था तो उसको उस समय हमने इंटिग्यूमेंट्स बताए थे, ठीक। अगर एक ही इंटिग्यूमेंट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिटेग्मिक। अगर दो इंटिग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं तो बाईटेग्मिक। अगर कोई भी इंटिग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है तो उसको एटेग्मिक भी बोलते हैं। अलग 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 स्पीसीज में अलग अलग तरह के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
अब बात करेंगे कि जो न्यूसेलस की सेल्स हैं इसमें से ये एंड माइक्रोपाइल था, ये एंड माइक्रोपाइल था और ये ऊपर वाला एंड चलाजा था। बताया था आपको ऊपर वाला एंड चलाजा था, नीचे माइक्रोपाइल था। तो माइक्रोपाइल एंड की एक कोई सेल, मान लो कि ये हमारी वो स्पेशल सेल है, ये वो स्पेशल सेल है, ये स्पेशल सेल है किसकी, ये स्पेशल सेल है न्यूसेलस की। किसकी? न्यूसेलस की। माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये स्पेशल सेल है जो कि क्या करेगी, अब इस सेल को अलग दिखाते हैं, मियोसिस में जाएगी। ये सेल थी और इसके बाहर ऐसा ऐसा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ होगा, देख सकते हैं आप लोग। ये बाहर न्यूसेलर की न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट हैं और जो दूसरी न्यूसेलर सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, इसने एक कैविटी में अपना बना लिया, ठीक है। अब ये जो सेल है इस सेल को बाकी न्यूसेलर सेल्स ने, ये पहले तो बड़ी हो गई खूब, ठीक है, ये एक सेल है अंदर वाली, ये खूब बड़ी हो गई, इसको बाहर से न्यूसेलर सेल्स ने घेर लिया। अब इसने क्या किया, ये चली गई मियोसिस में, किस में चली गई, अच्छा ध्यान देना, इसी को हमने मेगास्पोर मदर सेल भी कहा है। मेगास्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ हमें पीएमसी भी लिखता था, पोलन मदर सेल, ध्यान होगा आपको। तो ये मियोसिस में गई तो पहले बना ऐसे ही, ये आपका मतलब माइक्रोपाइल एंड नीचे की तरफ, पहले बना क्या डायड बना। मियोसिस जब पढ़ाई होगी आपको, तो मियोसिस अभी तो पढ़ाई नहीं है वैसे मैंने, जब 11th क्लास में पढ़ाऊंगा तो एक बार जाके वीडियो देखना। मियोसिस जब बनती है तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू दो स्टेजेस में उसको डिवाइड करते हैं और दोनों के बीच की स्टेज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो मियोसिस जो है उस मियोसिस फर्स्ट में पहले एक से दो सेल्स बनती हैं और मियोसिस सेकेंड में इन दो से दो दो और सेल्स बनती हैं। इस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट में आपको ये दो सेल्स डायड के फॉर्म में देखने को मिलेंगी, इसके बाहर वही सेलुलर स्ट्रक्चर न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट हैं और अंदर बन गया आपका मेगास्पोर डायड। ऐसा बना हुआ स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता बच्चों को, इसलिए बता रहा हूँ। मियोसिस वन हुई यहाँ पर, क्या हुई, मियोसिस वन, ठीक। पहले हुई थी यहाँ पर मियोसिस दिखाई थी, मियोसिस वन हुई तो एक से दो सेल्स बन गई, ठीक है। बाकी शेष पोर्शन जो लिखा हुआ है मैंने वो मिटाना चाहूँगा, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ओव्यूल बताया मैंने, अब ओव्यूल का काम नहीं है यहाँ पर, एम्ब्रियो सैक का काम है। एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि वो फीमेल गैमेट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। फीमेल गैमेट क्या होता है, एग सेल होती है, तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। मेगा स्पोरेंजिया क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया होता है ओव्यूल, और मेगा स्पोर क्या होते हैं, मेगा स्पोर होते हैं भैया ये जो अब बनने जा रहा है, ठीक है। मियोसिस वन हो गई है, इसके बाद भैया होगी क्या, मियोसिस टू। एक मियोसिस का पहला भाग खत्म हो गया जिसमें एक से दो सेल बनी। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर भैया 2n था तो यहीं पर n हो गया है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि मियोसिस टू जो है ये इक्वेशनल डिवीज़न ही होता है। मियोसिस वन में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके हैं, अब एन से एन ही रहेंगे मियोसिस टू में, बस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। देख रहे हो, गौर से देखना तो आपको एक बात पता चलेगी कि सेल का साइज़ मैंने नहीं बड़ा किया है लेकिन सेल का नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ। एक से दो किया, दो से चार किया, ठीक है, उतनी ही जगह में ये सेल्स हैं चूंकि, तो सबके पास अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और यहाँ पर चार सेल्स
बन गई। अब इन चार में से तीन डिजेनरेट कर जाती हैं और चैलेजलैंड वाली एक मतलब वो रहती है, वायबल रहती है। तो जब तीन डिजेनरेट करेंगी तो, और इसमें से ये एक ऊपर वाली सेल ये वायबल रहेगी, बाकी तीन डिजेनरेट कर जाएंगी। ठीक है, तीन डिजेनरेट कर जाएंगी, एक सेल वायबल रहेगी। अब इसमें क्या होगा, क्या नाटक होगा, क्या नोटिंग, क्या ड्रामा होगा, उसको समझाने के लिए धीरे से आगे बढ़ते हैं और बताएंगे तुमको क्या एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसमें पहले सेल्स बन जाती हैं, पहले न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके बाद सेल का फॉर्मेशन होता है। कभी आपने जब सेल डिवीज़न पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, शब्द से पता चलता है। देखिए कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कभी भी कैरियो शब्द जब भी बायोलॉजी में आया तो उसका मतलब न्यूक्लियस होता है या जेनेटिक लेवल पर। कैरियोटाइपिंग भी कभी कभी शब्द आता है, कैरियोटाइपिंग का मतलब क्रोमोसोम्स को अरेंज करना, ठीक। और काइनेसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होती है, इसके बाद कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। किससे? साइटोकाइनेसिस। सुनने में टफ लग रहा है शब्द, लेकिन साइटो शब्द जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर किससे रिलेटेड होगा, सेल से रिलेटेड होगा। पहले हमने न्यूक्लियस का डिवीजन कर दिया, आफ्टर दैट हमने क्या किया, सेल का डिवीजन किया, साइटोकाइनेसिस किया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये एक नया ड्रामा खेलती है ये सेल, और क्या करती है, साइटोकाइनेसिस तो करती ही नहीं है, पहले कैरियोकाइनेसिस करती है फिर साइटोकाइनेसिस नहीं करती है, फिर मतलब बाद में लास्ट में करती है, पहले पहले कैरियोकाइनेसिस, जितने न्यूक्लियस बनने हैं उतने न्यूक्लियस पहले बन जाएंगे, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन होगा शुरू। चलो ये वाला समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो भी हो। अब मिटाता हूँ इसको क्योंकि ज़रूरत है मुझे जगह की ज़्यादा, ठीक है। देखो गौर से देखो, अब ये एक सेल है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ खूब सारी न्यूसेलर सेल्स लगी हैं, उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ये क्या है, फंक्शनल फंक्शनल मेगास्पोर है, और ये क्या है, डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स हैं, ठीक है, समझ जाओगे। ये क्या है, डिजेनरेटिंग है, ये डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है, इसमें हुआ न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैसे होगी, सिंपली जैसे एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ठीक। देखिए एम्ब्रियो सैक की खास बात क्या है, एम्ब्रियो सैक सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है, क्यों है यहां बताने जा रहा हूं। देखिए ये एक सेल थी आपकी, यहां पर बना दिया एक सेल। अब इस एक सेल में हुआ पहले न्यूक्लियर डिवीजन, इसका ये न्यूक्लियस था, पहले बने क्या, एक से बने दो न्यूक्लियस, ठीक, दो से बने चार, और चार से बने कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ न्यूक्लियस बन गए। अभी तक सेल कितनी है, एक है, उसी के अंदर सिंस आईटीएम कंडीशन यानी कि मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन आ रही है, यहाँ तक कोई भी सेल, एक सेल के अंदर दूसरी सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये पूरी एक सेल है जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर से मतलब न्यूक्लियर डिवीजन को अटेन की हुई, कैरियोकाइनेसिस की हुई फंक्शनल मेगास्पोर कह सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्या, अब यहाँ पर शुरू होगी साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन लिखो ज़्यादा अच्छा टर्म है। यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ध्यान से देखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन बार होता है। सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, और ये थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, और इसके बाद यहां पर क्या हुई, साइटो सेल फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो सेल फॉर्मेशन में भैया आपको बताएं, न्यूक्लियस तो आठ बन गए पर सेल्स केवल सात ही बन पाती हैं, और दो न्यूक्लियस आपस में चिपके हुए, एक सेल ऐसी रहती है जो डिप्लॉयड स्टेज में, मतलब
दो न्यूक्लियस के स्टेज में पहले से ही रहती है, तो वो डिप्लॉयड हो जाती है। देखो यहाँ पे सब माइटोसिस हो रही है, अभी तक मियोसिस हुई थी, मियोसिस यहाँ पर जो चार बनी थी एन, चार हैप्लॉइड सेल्स बनाई थी, 1, 2, 3, 4 ये सभी हैप्लॉइड थी क्योंकि ये मेगास्पोर्स थी, और उसी में से एक ये उठ के आया तो ये भी हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड है तो यहाँ पर ये भी हैप्लॉइड है। लास्ट अभी जो मिटाया उसमें यहाँ पर बनाया था ना एन, चार सेल्स बनाई थी, वो सभी हैप्लॉइड थी क्योंकि किससे, मियोसिस के थ्रू आई थी। अब यहाँ पर होगी माइटोसिस, एन से यहाँ पर बनेंगी ये दोनों सेल, दोनों न्यूक्लियस जो हैं ये एन है, ये चारों न्यूक्लियस एन है, ये आठों न्यूक्लियस एन है। अब इसके बाद जब सेल फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, ध्यान से देखना, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तीन सेल्स लग गए यहाँ कहाँ, चलेजल एंड पे, ठीक, तीन न्यूक्लियस भी इनके पास पहुँच गए, ठीक। इसके बाद एक सेल, दो सेल, दो सेल लगी कहाँ, माइक्रोपाइल एंड पे, और इसी से चिपकी हुई एक इम्पॉर्टेंट सेल लग गई जो कि हमारा फीमेल गेमीट भी है, या ऐसे कह लो कि ये हमारी वधु भी है, कन्या भी है। तो इसको मैंने डिफरेंट कलर्स दिखाया, यहाँ पे अब तक कितनी सेल्स हो चुकी हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेल्स हो गई, और न्यूक्लियस कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही न्यूक्लियस भी हो गए। सेल के अंदर जो डॉट से दिखा रहा हूँ वो न्यूक्लियस है। अब बचती है बात क्या, कि दो न्यूक्लियस कहाँ गए, और हमने कहा था एक सेल, ठीक है। तो भैया बीच में जो इसके इन सबको छोड़ने के बाद जो भी चीज़ बच रही है, इसको बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल, क्या बोलते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल, और इसके पास भैया दो न्यूक्लियस होते हैं, पहला ये और दूसरा ये, और इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान से देखना, ये है चूंकि सब सारे न्यूक्लियस कैसे थे, हैप्लॉइड थे, एनप्लॉइड ही के थे, ये भी हैप्लॉइड, 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 और ये भी हैप्लॉइड, लेकिन ये दोनों चूंकि एन और एन हैं तो मिल के क्या हो गए, 2N। तो ये भैया जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसकी प्लॉयडी जब पूछी जाए तो भैया 2N ही लिख के आना। अभी तक प्लॉयडी कुछ चीज़ों की आपको बता दी है, एक क्लास लेकर के जरूर आऊँगा ऐसी जिसमें आपको सबकी प्लॉयडी रिवाइज करवाऊँगा, क्योंकि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 12th क्लास पास कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आप नीट का एग्ज़ाम दोगे तो इस तरह से क्वेश्चन उठ के आ रहा है। तो बताना चाहेंगे कि ये है सिनर्जिड्स, क्या है, सिनर्जिड्स बोल देता हूँ बार बार, ये है एंटीपोडल सेल्स, ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स, ये दोनों हैं सिनर्जिड्स, ये जो देख रहे हैं ये है एक्सल, बीच में ये जो दो न्यूक्लियस देख रहे हो ये क्या है, ये है पोलर न्यूक्लियाई। बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर न्यूक्लियस, ऐसा वैसा नहीं समझ लेना, ये डिप्लॉयड है तो इनका कोई रीज़न है, और ये जो पिंक वाली सेल देख रहे हो ये है क्या, लार्ज सेंट्रल सेल, और ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया किसका, एम्ब्रियो सैक का, ठीक। अब एक बार एनसीईआरटी से क्या रीड आउट कर देना उचित रहेगा, चलो कर देते हैं आपके लिए, एनसीईआरटी भी रीड आउट कर देते हैं। देखिए, फीमेल गेमेटोफाइट इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, वही बात जो मैंने बताई, एक ही फंक्शनल रहता है, तीन डिजेनरेट हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्या, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है, यही फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और ब्रैकेट में एम्ब्रियो सैक भी लिखा है, पढ़ते जाओ एनसीईआरटी से, साथ में लाइन बाय लाइन चलो। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, छूट गई देखो, इसलिए एक बार एनसीईआरटी उठा लेनी चाहिए। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और बाइस्पोरिक भी होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से ही पूरा क्या कहते हैं आपका एम्ब्रियो सैक बन जाए, ठीक। लेकिन अच्छा इसमें क्या होता है, वेरिएशन नहीं होते सारे सेल्स में, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम सा होगा क्योंकि इसका एन इसी के माइटोसिस से बना है, ठीक है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं हो पता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने एक शायद एलन का टेस्ट लगा रहा था उसमें आया था कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और बाइस्पोरिक डेवलपमेंट में, ठीक है,
कौन सा ऐसा डेवलपमेंट होगा जिसमें मतलब जो आपके न्यूक्लियस हैं अलग अलग, जैसे एंटीपोडल्स और सिनर्जिड्स और पोलर न्यूक्लियर, इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस होगा, ध्यान रखना। मोनोस्पोरिक, और दूसरा होता है भैया बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक का मतलब क्या है? बाइस्पोरिक डेवलपमेंट का अर्थ है कि जो चार हैं, चार में से दो तो डिजेनरेट हों लेकिन दो बनी रहें, और उन दो से ही टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट, चार की चारों बनी रहें और चारों, टेट्रास्पोरिक बहुत रेयर स्पीसीज में होता है, चार की चारों बनी रहें और चारों एक बार माइटोटिक डिवीजन करके अलग सी एम्ब्रियो सैक बना दें, ठीक है। ये बात मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक समझा दी, लेकिन मोनोस्पोरिक की आपके कोर्स में तो उसी को पढ़ना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी लिखती है, व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गेमिटोफाइट। लिखते चलो, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होंगी ज्यादातर। देखो सबसे कह रहा है क्या, सबसे पहले क्या नहीं, न्यूसेलस, न्यूसेलस लिखता हूँ, आया हूँ अभी, न्यूसेलस से ही मेगास्पोर की मदर सेल बनी थी, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉयडी 2n थी, तो न्यूसेलस की भी प्लॉयडी 2n होगी। न्यूसेलस कैसी है? वेजिटेटिव सेल है। मेगास्पोर मदर सेल चूंकि इसी से मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, तो मेगास्पोर मदर सेल की भी प्लॉयडी 2n होगी, यानी डिप्लॉयड होगी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसकी प्लॉयडी क्या लिख रखी है? फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉयडी क्या होगी? एनएन। इसके आगे बढ़ते हैं और क्या लिख रहा है? फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट ये है आपका एम्ब्रियो सैक, इसकी प्लॉयडी भी एन होगी, क्योंकि सारे टाइम सारे जो इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हो उन सभी की प्लॉयडी एन है, तो इसकी भी प्लॉयडी एन होगी, ठीक, ध्यान रखना। कोई ये नहीं लिख के आएगा कि इन सबको जोड़ जोड़ के लिख दे, नहीं, कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एट एन होगी ना, एन ही लिखना, ठीक है, क्योंकि सेल्स अलग अलग हैं। एक ये पोलर न्यूक्लियाई है जिसके पास 2n सेल्स हैं बस, बाकी सबके प्लॉयडी सेम है एन, ठीक, ये हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल, ठीक है। अब ये बातें अब आगे बताई जाएंगी, ठीक। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, माइटोसिस हुई यहाँ पर जो मैंने बताई थी, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ ये माइटोटिकली डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स। देखो अपोजिट पोल्स, एक ऊपर की तरफ चला गया, एक नीचे की तरफ चला गया, और माइटोटिक डिवीजन में दो न्यूक्लियस बने, यही बात एनसीईआरटी लिख रही है, ठीक है। फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, क्या बनाया इसने? टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। इसको टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसको फोर न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसको एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन्स, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लिएट एंड लेटर द एट न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। पहले क्या बनी? फोर न्यूक्लिएट स्टेज बनी, अगली बार एट न्यूक्लिएट स्टेज बन गई, ठीक। इसके बाद क्या हुआ? इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, यहाँ पे कहीं भी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये सभी कैसी हैं? स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हैं, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वॉल फॉर्मेशन। जनरली क्या होता है कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुई उसके जस्ट बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस हो जाती है, वही मैंने जो बताई थी अभी। लेकिन इनके इस केस में क्या हुआ कि न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ लेकिन इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, न्यूक्लियर डिवीजन तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। सेम यहाँ पर भी न्यूक्लियर डिवीजन हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ये भैया इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए यहाँ पर मैंने मार्क भी करके रखी हुई है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आफ्टर एट न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स आर लेट डाउन, मतलब अब सेल्स बनने लगेंगी, ठीक है। लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे सेल बनना शुरू हुई जिससे कि टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्या देखेंगे? सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल ऑर्गेनाइज इन टू सेल्स। आठ न्यूक्लियस थे, आठ में से तीन इधर और तीन इधर,
के न्यूक्लियस ने एक दो तीन सेल्स बना ली, ठीक, ये बात बताई गई। एंड द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई एंड सिचुएटेड बिलो द एग अपरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल। इस एग अपरेटस क्या होता है? हाँ भैया, इंपॉर्टेंट बात है, तब सुनना। सिनर्जिड्स और एग सेल को मिला करके क्या कहते हैं? एग अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग अपरेटस कहते हैं। सिनर्जिड्स और एग सेल को मिलाकर के एग अपरेटस कहते हैं, और एग अपरेटस के ही नीचे प्रेजेंट होती हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक ठीक है। थ्री बिलो एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, इसी तरह से भैया डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम्ब्रियो सैक में, ये बात बताई जा रही है, ठीक है। थ्री सेल्स ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलैंड, ये माइक्रोपाइलैंड है, ऊपर चैलेजाइलैंड है, ठीक है। तो जो माइक्रोपाइलैंड की तरफ थ्री सेल्स हैं उनको एग अपरेटस कहेंगे। एंड द एग अपरेटस इन टर्न कॉन्स्टिट्यूट्स, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? दो सिनर्जिड्स, टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल। ये सिनर्जिड्स देखो एस भी लगा रखा है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है आपके साथ। सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल, ठीक है। सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप टू कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भैया इनके पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है? जब पॉलन ट्यूब आए, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है? फिलीफॉर्म अपरेटस का काम ये होता है कि जब पॉलन ट्यूब आए माइक्रोपाइलैंड से, तो भैया उसको रास्ता मिल जाए एक्सेल तक पहुंचने के लिए। पॉलन ट्यूब में गैमिट्स होंगे, मेल गैमिट्स, और मेल गैमिट्स एक्सेल से फ्यूज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से सिनर्जिड्स उसको हेल्प करेंगी कहाँ तक पहुँचने में? एक्सेल तक पहुँचने में, ठीक है। इसके बाद अब जो बात आई, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, हाँ देखो आ गई भाई बात, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब टू द सिनर्जिड्स, इन टू द सिनर्जिड्स। क्या करती है वो? सिनर्जिड्स में पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती है, ठीक। थ्री सेल्स एट द चैलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल्स, इसको क्या कहते हैं? एंटीपोडल्स कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशनड हैज टू पोलर न्यूक्लियाई, दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पूरी एनसीईआरटी की जो गाथा थी वो हमने आपको पहले ही बता दी थी, फिर बाद में एनसीईआरटी से रीड आउट भी करा दिया। आपका काम थोड़ा कम हो गया लेकिन स्टिल एक बार जाकर के एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।